होने जा रही है KGF चैप्टर 2। क्या कोविड की वजह से थिएटर रिलीज पर मंडरा रहा है खतरा? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों, साल 2021 में सिनेमा घरों में फिल्मों की रिलीज पर फिलहाल सवाल बरकरार है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है, इस बीच कोरोना की तीसरी लहर के आगाज की भी खबरें हैं। ऐसे में आने वाली फिल्मों को रिलीज पर क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। साल 2021 की अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म है तो वो है KGF चैप्टर 2। यश के फैंस अपने स्टार को फिर से पर्दे पर देखने के लिए बेकरार है। फिल्म को 16 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन जून के अंत तक ये फैसला नहीं किया जा पा रहा है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। वैसे तो एक डेट सामने आई है 9th of September, जिसमें मेकर्स ने लगभग कह दिया है कि ये फिल्म रिलीज होगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं कि ऐसा ही होने वाला है। आपको याद दिला दें, जनवरी में इस बात का ऐलान किया गया था कि KGF चैप्टर 2 को जुलाई में रिलीज किया जाएगा, और ट्विटर पर भी ऐसे पोस्ट सामने आए थे, फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जहां पर फिल्म की रिलीज तारीख को बदले जाने की खबर बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इसकी रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, अमेज़न प्राइम वीडियो से फिल्म को OTT पर रिलीज करने की बात भी कई पोस्ट में की जा रही है। फिलहाल फैंस को अभी इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार यश और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म की रिलीज को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि मेकर्स इसे लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार की KGF ने अपने स्टारडम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा दिया है कि फैंस KGF चैप्टर 2 का इंतजार कर रहे हैं। इस बार पहले से ज्यादा एक्शन होने वाला है इस फिल्म में, और यश और संजय दत्त का तो अलग ही धमाका होने वाला है। दोनों शर्टलेस एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे, और बहुत ही तगड़ी इसकी प्लानिंग की जा चुकी है। शूट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिल्म में आपको अनंतनाग, प्रकाश राज, श्रीनिधि शेट्टी दिखेंगी, साथ ही रवीना टंडन भी एक अहम किरदार में नजर आएंगी। फिलहाल 9th of September, फैंस सोच रहे हैं कि जुलाई में रिलीज हो जाए, फिर सितंबर का इंतजार करेंगे, और पता चला फिर कोविड की तीसरी लहर, तो जहां तक लग रहा है कि फिर से पोस्टपोन कर दिया जाना है फिल्म को, और हो सकता है कि OTT का भी रुख ये फिल्म कर ले, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म को नहीं रोका जा सकता। और कई जो OTT प्लेटफॉर्म है, इतनी तगड़ी तगड़ी कीमत उन्होंने ऑफर की है मेकर्स को। अब देखना होगा कि मेकर्स इसे थिएटर पर रिलीज करते हैं या OTT पर। आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।